सर हमने कलम कर दिए हैं और तीन जो विधायक हैं वो आरी के नीचे हैं और वो तड़फ रहे हैं, तो क्या आप इसके प्रति अपना अपना खेद प्रकट, ऐसे बयान देने के लिए क्या आप अपना खेद प्रकट करेंगे? बैठिए। इस माननीय सदन के अंदर ना कोई, इस माननीय सदन की कार्रवाई के दौरान ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। मैंने कहा इस माननीय सदन की कार्रवाई के दौरान ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया और इस सदन से बाहर मेरा अधिकार क्षेत्र अलग है। इस सदन के बाहर मेरा, आई एम नॉट अलाउइंग यू। इधर जी मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप बैठ जाओ। एक मिनट प्लीज। काली साहब प्लीज। इस माननीय सदन के अंदर कोई ऐसा बयान ना दिया गया ना मैं देता हूं। एक मिनट आप बैठ जाइए ना, इंद्रजी बैठिए। टाइम एंड अगेन आई एम नॉट अलाउइंग यू, आप बैठ जाओ, मुझे कंप्लीट करने दो, आप कंप्लीट करने दो मेरी बात। और इस सदन के बाहर मेरे अधिकार क्षेत्र अलग है, मेरे अधिकार क्षेत्र अलग हैं, जो कानूनन भी हैं और कानूनन दृष्टि से वो निर्णय लिए गए हैं माननीय न्यायालयों के द्वारा, उन निर्णयों को जो है अप्रूव किया गया है। इस करके ऐसा कोई विशेष माननीय सदन में उठाने की इजाजत ये चेयर नहीं देती है। अगली आइटम कागजा सभा पटल पर रखे जाएंगे, माननीय उद्योग मंत्री कागजा सभा पटल पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उस दस्तावेजों की प्रति सभा पटल में रखता हूँ जो आज की कार्रवाई में मेरे आगे नाम के आगे अंकित है। अब माननीय राजस्व मंत्री महोदय कागजात सभा पटल पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उन दस्तावेजों के प्रति विलंब के कारणों सहित सभा पटल पर रखता हूं जो आज की कार्य सूची में मेरे नाम के आगे अंकित है। नंबर तीन, अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन। अब श्री नंदलाल सभापति कल्याण समिति के प्रतिवेदन के प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे। मान्य श्री नंदलाल जी। स्पीकर सर, विद योर परमिशन आई प्रेजेंट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन वेलफेयर लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम फॉर द डे। अब नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। अब श्री सतपाल सिंह सत्ती जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। श्री सतपाल सिंह सत्ती यदि चाहें तो चेयर की अनुमति से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। श्री सतपाल सिंह सत्ती ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू रेज दिस इशू अंडर रूल 62, सो द नेक्स्ट पर्सन श्री राकेश कालिया जी ध्यान कर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय उस चर्चा का उत्तर देंगे। मान्य श्री राकेश कालिया जी यदि चाहें तो चेयर की अनुमति से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। श्री राकेश कालिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड और दिस द प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स कन्वेंशन ऑफ द हाउस। इफ नीड बी आई विल बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ऑल द मेंबर्स दोज हु हैव कम टू द बेल ऑफ द हाउस विदाउट एनी राइम एंड रीजन। करना चाहता हूँ, धन्यवाद। मान्य राकेश कालिया जी। I will proceed as per the rules against all the members, those who are in the bell of the house.
राकेश कालिया जी प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से कि आप इसको रीथिंक करें और किन्नू से जो है इस जुमार को लगाएं, आपकी यदि मेहरबानी होगी। अध्यक्ष महोदय आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत आभार ज्ञापन करना चाहता हूँ, धन्यवाद। जय हिंद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारी सरकार स्थायी हो गई, स्टेबल हो गई, इन्होंने सरकार तोड़ने की कोशिश की, सरकार तोड़ने की कोशिश की, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद ये अपने खिलाफ नारे लगा रहे हैं अब। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, वो तो हो गए, वो तो हो गया है। हम 40 थे, 40 हो गए और क्या चाहते हैं, 40 थे, 40 हो गए और क्या चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक राकेश कालिया जी ने चिंतपुर्णी के रजू मार्ग को लेके राकेश कालिया जी ने मसला उठाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि चिंतपुर्णी एक बहुत अहम स्थल है हमारा, एक धार्मिक स्थल है हमारा, और लगभग 50 से 60 लाख श्रद्धालु हर साल चिंतपुर्णी में आते हैं, और वहां पे रजू मार्ग लगाने का फैसला हुआ था। उस समय राकेश कालिया जी एमएलए नहीं थे और वो मसला काफी आगे जा चुका है, टेंडर हो चुका है, मशीनरी खरीदी जा चुकी है। 80 मीटर पैदल योग्य पुल बह गया था, इसके उपरांत लोगों को सुविधा हेतु इस स्थान पर 2 झूलों का निर्माण किया गया है जो वर्तमान में चल रहे हैं। इसी स्थान पर 122 मीटर योग्य पुल जो है वो स्थापित है। इस पुल की जो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के अनुमोदन हेतु ब्रिज साइट की मिट्टी, जिसको बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इन्वेस्टिगेशन जिसको बोलते हैं, सॉइल टेस्टिंग पूरी कर ली गई है। इस की जो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता है वो भी जो है लगभग तैयारी है। समस्त फॉर्मेलिटीज पूर्ण करने के पश्चात इस पुल के निर्माण करने की आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार और सदस्य की जो चिंताएं हैं उससे भलीभांति परिचित हैं तथा जन समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत हैं। थैंक यू वेरी मच।